अस्सलाम वालेकुम, खुशा मुझे आपका सीक्रेट न्यूज़ चैनल के व्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टाटा, ये हमारा आ गया रूम। अगर आपने हमारा व्लॉग देखा है तो हमने रूम टूर करवाया था, अगर नहीं देखा तो चैनल पर जाकर दोबारा देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आज हम करेंगे इस कलर को पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद उसके ऊपर एक प्यारी सी चीज़ बनाएंगे। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। हम करते हैं इसको पेंट। पेंट करने से पहले हम यूज़ करेंगे उसके ऊपर रेगमा यानी कि सैंड पेपर, ये ब्राउन कलर का मेरे पास सैंड पेपर। अब ये सारी चीज़ें जो हमने इधर से रखी हुई थी वो हमने इसको हटा दिया ताकि जब हम पेंट करें तो उसके ऊपर गंद ना डले, वो हमारी चीज़ें ख़राब ना हो। अब हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर रेगमा ताकि ऊपर जो भी कलर वगैरह है, कुछ चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी रिमूव हो जाए और हमारा ईजिली पेंट हो सके, कोई भी ऊपर बबल्स ना आए, कोई भी ऊपर लाइन वगैरह ना आ जाए। हम करेंगे इसको रिमूव करने से पहले, आप जब तक हम रिमूव करते हैं उन दिन में आप दोबारा से एक दफ़ा लाइक ज़रूर कर देगा। किसी ने नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे क्योंकि आगे आने वाली है एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत दिनों बाद व्लॉग आया हमारा, अब तो लाइक और शेयर तो बनता है। अब हमने उसको ऊपर कर दिया था और रेगमार यूज़ कर दिया यानी सैंड पेपर यूज़ कर दिया हमने। अब हम करेंगे पेंट को मिक्स, अच्छी तरह पेंट को मिक्स कर लेना है। मेरे पास काफ़ी पहले का पड़ा हुआ था तो बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्राई हो चुका था, तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि बीच में कोई बबल्स वगैरह वो ना रहे हैं और जो भी ड्राई हुआ हुआ है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि आपका पेंट भी प्यारा सा हो। अब हम उसको करते हैं पेंट, लेट्स सी। अब हम इसके ऊपर करेंगे पेंट। पेंट करने से पहले जो आपने ऊपर सैंड पेपर यूज़ किया था उसको आप किसी ब्रश की मदद से या किसी भी कपड़े की मदद से आप उसको साफ़ कर सकते हैं, साफ़ कर लें ताकि डस्ट वगैरह जो भी लगी थी, उतरी थी, वो भी रिमूव हो जाए। इसको रिमूव करने के बाद अब हम यूज़ करते हैं कलर। हम पेंट कलर यूज़ करेंगे। पेंट कलर अब हम यूज़ करने से पहले नीचे आपने डाल लेना है बारे, कुछ न्यूज़पेपर्स रख लेने हैं, कुछ पेपर्स रख लें, कुछ भी रख सकते हैं, आप कपड़ा रख लें ताकि जो आपका पेंट है वो नीचे ना गिरे, ज़मीन पर गिर के आपकी ज़मीन को गंदा ना करे। अब हम उसके ऊपर करेंगे पेंट। आप सोचे होंगे पेंट करने से भी तो नीचे से नज़र आ ही रहा है, लेकिन आ तो रहा है, लेकिन इसके ऊपर 2-3 कोट्स करने से ये रिमूव हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। थोड़ा बहुत नज़र आएगा, उसका हेयर है, जब ऊपर कोई चीज़ बनेगी तो पीछे से इतना वाजिया नहीं होगा। हमने कर लिया है एक कोट कंप्लीट, अब हम करेंगे दूसरा कोट। दूसरा कोट करने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। इसको हम थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसको अच्छी तरह से कोट करके 2 और 3 लेयर्स का इसको कोट कर दो और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख देते। ये हो चुका है हमारा ड्राई और हमने कर लिए 2-3 कोट। नीचे से हल्का हल्का नज़र तो आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर जब कोई चीज़ बनेगी तो पीछे से वाजिया नहीं होगा। अब हमने इसके ऊपर लगा ली थी लाइन स्केल्स की वजह से, टी स्केल था हमारे पास, उसकी वजह से हमने इसके ऊपर लाइंस वगैरह लगा ली थी। बड़ा स्केल है इस वजह से ईजीली लग गई थी। उसको हमने बॉक्स के शेप में बना लेना ताकि हमारा ड्राइंग करना ईजी हो। हमने डायरेक्ट कलर नहीं यूज़ किया, सबसे पहले हमने पेंसिल कलर से उसको ड्रा किया है ताकि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं वो भी हमारी रिमूव हो सके। और हमने ये कुछ बॉक्स बना लिए हैं, कुछ बॉक्स बनाए हैं और बीच में कुछ ट्रायंगल्स की शेप्स हमने बनाई हैं इस तरह से कि बीच में हमारी डेकोरेशन जो चीज़ें हमने लगानी है वो ईजीली बीच में एडजस्ट हो सके। अब दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक। ये हमारे सारे बन गए थे बॉक्सेस वगैरह और दरमियान में हमने लिखा है कुछ अमेजिंग सा। लेकिन यूट्यूब का अगर आप चाहते हैं, अगर यूट्यूब को भी आपको मिले तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है। जल्दी से लाइक्स कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जल्दी जल्दी यूट्यूब की वीडियो भी अपलोड कर सकूं। ये आ गया हमारा टिकटॉक। अच्छे से आपने उसके ऊपर हर तरह से उसके एजेस वगैरह को अच्छी तरह से करना है। ये नहीं है कि इंसान से गलतियाँ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, हमसे भी होती है। इतनी दफ़ा मैंने भी कुछ रिमूव किया तो इसलिए आपको ये अच्छा सा फाइनल लुक नज़र आया है। आपको नहीं पता इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हुई होती हैं, लेकिन सबसे मिस्टेक्स होती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अब जो हमने बीच में बॉक्सेस वगैरह बनाए थे उसके अंदर हमने लगा लिया फॉइल पेपर, और जो बीच में दूसरे बड़े बॉक्सेस रह गए हैं उसके अंदर हम वो चीज़ बनाएंगे जो हमें सब्सक्राइब करेंगे उनके जो प्रोफाइल होगी वो हम बीच में बनाएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी बने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपका भी बना सकें। अब हमने नीचे ग्लू लगाई थी, ग्लू लगाने के बाद उसके ऊपर हमने फॉइल पेपर लगा दिया था और उसको अच्छे से ड्राई करने के बाद हमने ब्रश की मदद से उसके ऊपर से साफ़ कर दिया। जहाँ पे ग्लू लगी हुई थी वो तो खुद ब खुद ही वहाँ से जुड़ गया, लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा था वो आपने हाथ से नहीं करना, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना, आपका ख़राब भी हो सकता है, तो आप किसी ब्रश की मदद से आप उसको साफ़ कर सकते हैं, बहुत ईजीली रिमूव हो जाता है।
कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अब टिकटॉक है, टिकटॉक फॉलोअर्स हैं, इसके अंदर अब हम आपको दिखाएंगे हमने कैसे किया था। ग्लू हमने सबसे पहले लगाई, कोई भी आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं, आपको ग्लू भी दिखाते हैं कौन सी हमने यूज़ की थी। हमने सबसे पहले ग्लू लगाई, अच्छे से उसको ग्लू लगा देना। अगर आपने बाहर भी आपकी ग्लू लग गया तो फिर बाहर भी आपका फॉइल पेपर लग सकता है, सो ध्यान से करना है, लापरवाही नहीं करनी। तो अब हमने ऊपर लगा दिया था फॉइल पेपर और ये लग रहा है हमारा प्यारा सा, कितना प्यारा लग रहा है ना। और आप जो जो सब्सक्राइब करेगा उसी की प्रोफाइल अंदर आएगी, तो फिर आपको दिखाएंगे फाइनल लुक किसकी। अभी तक तो यही फाइनल लुक है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टिकटॉक का बनाया तो हम यूट्यूब पे फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे भी फॉलो करना और जाके टिकटॉक पे भी फॉलो करना, सिर्फ एक जगह पे ही नहीं रहना, इतना अच्छा नहीं बनना, दोनों जगह पे जाके फॉलो करना है। और जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जल्दी से अपनी भी प्रोफाइल को देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, उससे पहले करते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स आपको मिल सके और आप इसी तरह अच्छे अच्छे इंटरटेनमेंट्स ले सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।